Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय नियो चैनल पे. बहुत दिन हो गया मैंने व्लॉग्स नहीं किया बिकॉज या ट्यूटोरियल्स कुछ भी नहीं किया बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था. ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है और मेरे जो चाहने वाले मुझे मालूम है वो लोग भी मुझे मेल कर रहे थे और यूट्यूब पे मेरे चैनल्स पे लिख रहे थे वो लोग कि सर वापस आ जाइए ये है. तो उनको मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ कि यार थोड़ा तबीयत ख़राब है तो उसके कारण मैं नहीं आ पाया और थोड़ा बिजी भी था, थोड़ा काम भी ज़्यादा था क्योंकि ये सीज़न रहता है हमारा नवंबर और दिसंबर जहाँ पे हमारा जो मीडिया का काम जो है थोड़ा ज़्यादा ही रहता है. तो आज मैं वापस आया हूँ एक नए लुक पे. आपने देखा होगा मेरे दाढ़ी वाड़ी निकाल दिया मैंने. मैंने सोचा चल थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और आपके लिए मैं थोड़ा फ्रेश होके ही कुछ रिप्लाई कर लेता हूँ कुछ नए अंदाज में. वैसे नया अंदाज तो है नहीं, हम तो है ही पुराने लोग तो क्या नया अंदाज. चलिए आज का जो टॉपिक है बेसिकली इस व्लॉग से शुरू करते हैं. जो मैंने आज देखा ग्रीन म्यूजिक स्टूडियो, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि नमस्ते सर, मैंने यूट्यूब से ही रिकॉर्डिंग सीखा है पर मेरा क्वेश्चन है कि मिक्सर ले या साउंड कार्ड ले, इसमें से क्या लेना चाहिए. तो ग्रीन म्यूजिक स्टूडियो सर के लिए, इनका नाम इन्होंने लिखा नहीं मुझे तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं नाम नहीं मालूम आपका. तो ग्रीन म्यूजिक स्टूडियो जो मेरे को लगता है कि वो लोग अगर स्टूडियो का काम कर रहे हैं या पर्सनल है आपका तो उसके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मिक्सर या साउंड कार्ड. अब ये साउंड कार्ड ये होता है जिसका मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल कर चुका हूँ. मैंने जो लिया था बेहरेंजर का जो UMC 22 का साउंड कार्ड है. अब मिक्सर और साउंड कार्ड में डिफरेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको. अभी हमारे पास ये जो मिक्सर है इसमें 32 चैनल्स है इनपुट और आउटपुट भी उसके हिसाब से है 16 या 8 आउटपुट कुछ है इसमें. इसमें भी देख लीजिए आप, इसमें एक इनपुट है जो XLR का इनपुट है और इसमें 32 XLR का इनपुट है. अभी XLR केबल क्या है आपको मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको. अगर आप लोगों ने नहीं देखा, ये जो होता है XLR केबल होता है, आप देख लीजिए इसको, देख सकते हैं फोकस हो रहा है नहीं हो रहा मालूम नहीं, हाँ देख लीजिए, यह है XLR केबल जो एक्सटर्नल लाइन रिटर्न केबल बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स पे और डेफिनेटली वो जो एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं उसके लिए इनपुट आउटपुट जो देते हैं हम लोग. दिस इज़ अ हाई फिडिलिटी जो केबल बोलते हैं हम लोग ऑडियो केबल्स में और ये हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर माइकिंग के लिए या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग. अभी जैसे आपने जो पूछा ग्रीन म्यूजिक स्टूडियो, इसमें एक माइक लाइन इनपुट जाता है, ये मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ करता हूँ तो मेरे पास दोनों हैं क्योंकि ये जो है हम लोग स्टूडियो का काम के लिए यूज़ करते हैं. अभी आपका काम के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पैसा ऐसे ही फालतू में खर्च कर दें और जाके आप सीधा एक बेहरेंजर का मिक्सर या यामाहा का मिक्सर या कोई भी मिक्सर ले लें जिसमें आपका इस्तेमाल 32 चैनल्स का ना हो. तो बेहतर यही होगा कि आप कुछ 8 चैनल का मिक्सर ले लें अगर है तो आपके पास उतना. अभी मिक्सर में ये चैनल्स का ज़रूरत क्या है, अभी हमारे स्टूडियो में क्या है कभी कभी इधर बैंड आता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे गिटारिस्ट हो गया, एक गिटारिस्ट हो गया, दो गिटारिस्ट हो गया, बेस गिटारिस्ट हो गया, ड्रमर हो गया और वायलिन प्लेयर हो गया या कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या वोकलिस्ट हो गया. अगर इन लोगों को सब ग्रुप में अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग को मिक्सर चाहिए होगा. अब मिक्सर क्यों, क्योंकि मिक्सर में अगर होप आप देख सकते हैं मिक्सर में अगर आपके पास लगा लीजिए आपके पास 3 गिटारिस्ट है उसमें से एक बेस गिटार है और 2 लीड गिटार है और एक कीबोर्ड प्लेयर है और एक ड्रमर है आपके पास. ड्रमर के लिए डेफिनेटली अलग सा माइक चाहिए होगा रिकॉर्डिंग करने के लिए बिकॉज किक के लिए अलग माइक है, स्टेयर के लिए अलग माइक है, टॉम्स के लिए अलग माइक रहता है, हाई हैट्स उसके लिए सब अलग माइक रहता है. सो उसके हिसाब से हम लोग माइकिंग करते हैं. तो ड्रम के हिसाब से लगा लीजिए कि 8 माइक अगर इनपुट हमने आउटपुट जो ड्रम से आ रहा है और इनपुट इसमें करना है तो इसमें हम लोग को 8 चैनल चाहिए. तो क्या क्या होगा वो चैनल, एक हो गया किक, एक हो गया स्नेर और टॉम्स हो गया 3 और उसके बाद हो गया हाई हैट 1 और क्रैश सिंबल हो गया, अभी इधर ऑलरेडी 7 चैनल हो गया और ये राइड. तो ये 8 चैनल मेरा हो गया अभी किसके लिए, हाँ ड्रम्स के लिए. उसके बाद है मेरे पास कीबोर्ड प्लेयर, तो मैंने एक कीबोर्ड प्लेयर का चैनल इनपुट और ये सब जा रहा है मेरा XLR इनपुट जो है
पीछे की तरफ जो जो इसका मिक्सर का जो पीछे है इसका इनपुट है पूरा। और उसके बाद मेरे पास आ गया दो लीड गिटारिस्ट और एक बेस गिटारिस्ट, समझ गया। तो इसके हिसाब से अभी मेरे पास टोटल 12 चैनल मैं यूज कर रहा हूं। अब ये मिक्सर तब फायदे के लिए होता है, अगर आपके पास 8 चैनल मिक्सर है तो आप 12 चैनल रिकॉर्ड नहीं कर सकते एक साथ, समझ में आ गया आपको, और ना ही आप उसको मिक्स कर सकते। तो उसके लिए आपके हिसाब से आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग को आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। अगर आपका स्टूडियो में सिर्फ वोकल रिकॉर्डिंग होता है तो सिर्फ ये काफी है, क्योंकि वोकल रिकॉर्डिंग में क्या है, क्या एक ही आवाज है तो एक ही हमारा काम चल रहा है तो एक ही इनपुट चाहिए होगा। इसके अलावा भी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का इनपुट दिया हो इसमें, जो है गिटार या कीबोर्ड कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें दो इनपुट है देख लीजिए आप, लेकिन हाँ दो इनपुट में से एक इनपुट XLR का है, प्लस हम लोग इसमें TRS केबल जो होता है मोस्टली हम लोग उसको जैक केबल बोलते हैं, उसका निकनेम है जैक केबल, लेकिन इसका असली मतलब है टिप रिंग स्लीव, TRS जो जैक केबल को हम लोग बोलते हैं टिप रिंग स्लीव। तो आपने देखा होगा जो केबल रहता है उसके टिप में रिंग्स रहते हैं, अगर एक रिंग है तो वो है मोनो, दो रिंग है तो वो है स्टीरियो। तो इसमें दो TRS हम लोग डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और एक XLR यूज कर सकते हैं। तो और आउटपुट दो है इसका, देखिए लेफ्ट और राइट आउटपुट दो है। तो हाँ स्वीट ग्रीन म्यूजिक स्टूडियो, सॉरी स्वीट तो आप स्वीट हाई वैसे, तो ग्रीन म्यूजिक स्टूडियो सर आपके हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए आपको जो चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपना स्टूडियो चला सकते हैं। अभी इसके अलावा आपको कोई भी और अगर डाउट्स है तो हम पूछ लीजिए, हम है इधर और आपका डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। बस इतना ही दोस्तों, अब इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता, बिकॉज अभी मैं थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया, बिकॉज बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ मैं, तो अभी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, अभी भी थोड़ा थकान है मुझे। तो उसके बाद मैं अभी हर दिन व्लॉग्स करते रहूँगा, और आप दुआ कीजिए कि मेरे तबीयत भी सही हो और हम आपके लिए व्लॉग्स और बनाते रहे और सिखाते रहे और सीखते रहे आपसे भी। नमस्ते, दिस इज DJ Neo साइनिंग ऑफ, गुड बाय। हाँ ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट, और उसके अलावा प्लीज़ 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 आप वो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई भी पोस्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।